हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी लेके आया हूँ ये है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के लिए और ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में है, मतलब CSL में है दोस्तों। 2021 रिक्रूटमेंट है, फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों ही एलिजिबल है। 2021 पास आउट वाले भी इसमें एलिजिबल है। और दोस्तों सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें गेट रिक्वायर्ड है ही नहीं। और दोस्तों पैकेज जो है इसमें रहने वाला है 13 लाख रुपये। दोस्तों बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बम्पर अपॉर्चुनिटी है, ऐसी अपॉर्चुनिटी बहुत कम निकलती है। वैकेंसी भी दोस्तों 77 है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को फॉरवर्ड जरूर कर दें, क्योंकि अगर आपका नहीं हुआ किसी जानने वाले का हो गया और उसको ना पता हो, क्योंकि ये इस इंफॉर्मेशन के बारे में कम ही बंदों को पता होता है दोस्तों। इसीलिए SSC वगैरह के बारे में सबको पता होता है, इसीलिए आप वीडियो जरूर फॉरवर्ड कर दें, जिससे आप किसी का फायदा हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, ये सिविल वालों के लिए, इसमें दो वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 19 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए 2 वैकेंसी है, मैकेनिकल वालों के लिए 37 है, नेवल आर्किटेक्चर के लिए 6 पोस्ट है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 2 पोस्ट है। और IT वालों के लिए दोस्तों इन्होंने बायोफिकेट कर दिया, अगर आप CS से हैं, मतलब CS से हैं आप, मतलब कंप्यूटर साइंस से हैं, या फिर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हैं, तो आप इसमें एलिजिबल है। डिजायरेबल वैलिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रेप्यूटेड एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए दोस्तों IT वालों के लिए। ह्यूमन रिसोर्सेज में भी 2 वैकेंसी है दोस्तों। इन्होंने क्राइटेरिया क्या दिया है, आपका जो भी कोर ब्रांच है उसमें 65% मिनिमम रहने चाहिए, मतलब अगर आप 65 से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों इन्होंने डायरेक्टली आपको दे दिया है, ये मिनी रत्न एक कंपनी है दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब आपकी रहने वाली है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ये जो दोस्तों अगर आप इसमें, एक और है ह्यूमन रिसोर्सेज वालों के लिए 2 वैकेंसी, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया, डिग्री किसी भी, मतलब एनी डिग्री, मतलब कोई भी डिग्री आपने की है, तो अब भी आप इसमें एलिजिबल हैं। तो दोस्तों आप इसमें साफ साफ दिखाया है डिग्री विद मिनिमम 65% मार्क्स, तो आप जरूर इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। आप उसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, बेनिफिट आपको देख ही रहा होगा दोस्तों। बेसिक पे इसमें 40,000 रहने वाली है, इसमें DA 9,280 रहने वाला है, HRA 6,400 रुपये रहने वाला है, परक्स एंड अलाउंस 14,000 रुपये रहने वाले, अदर बेनिफिट 42,000 रुपये रहने वाले हैं। तो टोटल मिला के आपका जो एनुअल CTC बन रही है वो 13 लाख रुपये बन रही है, जो कि आपको स्क्रीन पर मैंशन हो गई होगी दोस्तों। अब ये जो इसमें और काम की बात है जो मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 27 होनी चाहिए। अगर आपका आपका रिजल्ट दिसंबर से पहले आने वाला है, मतलब इसका क्या है, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिसंबर में है, अगर जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी तब आपका रिजल्ट आपके हाथों में होना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट जो है दिसंबर 2021 से आ जाना चाहिए, तब आप 2021 वाले एलिजिबल हैं। एज लिमिट क्या रहने वाली है इसमें, 27 अक्टूबर 2021 तक दोस्तों आपकी 27 साल रहने चाहिए मैक्सिमम। तो दोस्तों 27 मैक्सिमम रहनी चाहिए। और दोस्तों OBC के लिए इन्होंने दिया है 3 साल का नेगोशिएशन, और SC ST के लिए दिया है इन्होंने 5 साल का रिलैक्सेशन। और दोस्तों इन्होंने मेथड ऑफ सिलेक्शन मेथड क्या होगा दोस्तों, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वालिफिकेशन टेस्ट, मतलब CBT टेस्ट होगा आपका दोस्तों। ये जो है आपका 60 मार्क्स का होगा, ग्रुप डिस्कशन 10 मार्क्स का होगा, राइटिंग स्किल 10 मार्क्स का होगा, पर्सनल इंटरव्यू 20 मार्क्स का होगा। तो उसी के बिहाफ पे आपका, और इसमें दोस्तों आपकी जो रहने वाली है वो सेकंड फेज होने वाला है आपका CSL कोची में, मतलब कोचिंग शिपयार्ड, और आने जाने का खर्चा भी कोचिंग शिपयार्ड ही आपको मिलेगा। तो 3rd week of November तक इसका एग्जाम होने वाला है दोस्तों, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इतनी जल्दी वैकेंसी फिल नहीं हो पाती है जल्दी दोस्तों। CSL रिजर्व द राइट फॉर फिक्स मिनिमम मार्क्स ऑफ पास इन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सब्जेक्ट ऑफ मिनिमम 33 दोस्तों, आपका जो कोर सब्जेक्ट रहने वाला है उसका 33.33% मार्क्स, मतलब 33% उसी में से आएगा। रिजर्वेशन वालों के लिए दोस्तों इन्होंने रिजर्वेशन पर्टिकुलर किसी उसका नहीं दिया है, CST वाले दिया है, और ये ऑल इंडिया एलिजिबल है, पर्टिकुलर किसी सिटी से एलिजिबल नहीं है, हर एक एलिजिबल है दोस्तों। इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट्स आपको SC ST नीचे कुछ कैटेगरी दी है, सिटिंग होनी चाहिए, स्टैंडिंग होनी चाहिए, वॉकिंग मतलब जो फिजिकल आपको रिक्वायरमेंट चाहिएगी, बैंडिंग होनी चाहिए, लिफ्टिंग, नीलिंग। तो इसमें दोस्तों हैंडीकैप वाले मेरे भाई जो हैं वो इसमें कम ही एलिजिबल होंगे, बट आप इसमें देख जरूर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक आप बहुत कम करते हैं, आप वीडियो को जैसे लाइक किया कीजिए जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े दोस्तों, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। आप ही का अपना चैनल है, और भाई हूँ मैं आपका यार, ये सर्वर मत बोला कीजिए कमेंट में। अब आप देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स वालों में ये एलिजिबल है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रिकल, ये सब एलिजिबल है। मैकेनिकल वालों में भी ये सब एलिजिबल है, नेवल आर्किटेक्चर में ये सब एलिजिबल है। आप एक बार जरूर इसको देख लीजिएगा। और इसमें पर्टिकुलर कहीं भी इन्होंने गेट का मेंशन नहीं किया है, अभी तक इन्होंने कोई भी गेट का मेंशन नहीं किया है, कि हो सकता है ये बाद में आपको क्राइटेरिया चेंज कर दे, वैसे करेंगे नहीं, बट इसमें करेगा नहीं, इसमें कोई इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है कि गेट की रिक्वायर्ड है
या नहीं है। दोस्तों इन्होंने आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 750 रहने वाली है, मतलब 750 रुपये रहने वाली है, नॉन रिफंडेबल होगी और ऑनलाइन थ्रू पेमेंट होगा दोस्तों ये। और ये जो है ये आपको ये इसका स्टार्टिंग डेट तो 6 अक्टूबर, मतलब जो कल गई है कल से ही ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट इसकी 28 अक्टूबर रहने वाली है, मतलब 20 दिन के लिए ही फॉर्म निकला है ये, 19 दिन के लिए ही सॉरी, 27 अक्टूबर को ही ये लास्ट डेट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटी इसकी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, इसमें कोई लायबिलिटी आपको नहीं दी गई है, इसमें आपको डायरेक्ट ही CSL की वेबसाइट पे ही जाना है। मैं आपको बता भी देता हूँ कि कहाँ आपको जाके इसको फिलअप करना है, आपको लिंक भी हम यहाँ यहीं मेंशन किया हुआ है, आपको इस एप्लीकेशन में ही मेंशन किया हुआ है लिंक, वहाँ जाके आपको डायरेक्टली ये करियर पेज पे दोस्तों यहाँ जाके आप डायरेक्ट यहाँ से जाके आप सबमिट कर सकते हैं। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और जिस तक ये इन्फॉर्मेशन अगर आप इसमें एलिजिबल हैं आप जरूर सबमिट करें, क्योंकि 750 रुपये ज्यादा नहीं होते, बट आपकी थोड़ी सी मेहनत दोस्तों आपको आगे पहुंचा सकती है, 13 लाख रुपए बहुत एक अच्छी सैलरी होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपने जानने वालों में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।